अरे हनुमान जी, अच्छी लीला है तुम्हारी बालाजी। कमजोर चेला, कमजोर सामान, खटा नहीं पाउता हनुमान जी। लो आ जा यहाँ घर, अच्छे से आ जा, माइक उठा बेटा, ढंग से बैठ जा, कौन ना आ जा पढ़ने, ठीक से बैठ हैंगर। हैंगर आजा, बब्बा सीताराम। अरे साधु जी नजदीक आ जा, मैं कौन मारता हूँ बेटा, तो के पीटता हूँ तो। कहाँ को आए बेटा? नागपुर से। नागपुर में कहाँ रहते हो? फ्रेंड्स कॉलोनी। अच्छा, होगी कहीं, हम कह दें तुम नागपुर के? नहीं, नागपुर के ही गुरु जी। कहाँ है आए? पहली बार आए का जी गुरु जी? किने तुम्हें बताओ तो हम आए बारे? हम यूट्यूब से। अच्छा यूट्यूब, वो मैं कौन डलो है कि हम नागपुर आ रहे हैं? नहीं नहीं, घर वालों से पता चला आप। अच्छा, किसी ने बताया कि हम आए? ठीक है, बोलो कार जी है बब्बा जी के चरण। गुरु जी बस खुद का धंधे में थोड़ा है। और कोई बात? संतन की प्राप्ति। मन अशांत रहता, परेशान है, व्यापार की सफलता का प्रश्न लेकर आए हैं, कृपा होगी स्वयं का, बिजनेस का आशीर्वाद तथा संतान योग 2024 तक बन जाए। बागेश्वर धाम की जय। उपाय हम अभी बता देते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, धाम की पेशी करनी है, नियम का पालन करना है। अभी तो काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे, अभी कर रहे हैं। स्वयं का सेटलमेंट करना चाहते हैं अलग से, एक बार कोशिश की जिसमें फेल हो गए हैं, एक मित्र के साथ में लगे रहे, अब वर्तमान में आप जो है सेल्फ डिफेंडेड करना चाहते हैं। अगर आप अब आपका अगला मन में जो प्रश्न कौतुक कर रहा, वो ये कर रहा कि कौन सा काम करें जिसमें सफलता के राज, अगर आप हमसे पूछें तो आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा यानी आपकी जो एनर्जी है, वो रास्ता है आपका रेस्टोरेंट का, क्योंकि अभी बीच में आपने ट्राई भी किया, आपने ट्राई भी किया, उसका आपका अनुभव भी हो गया है, और अनुभव के साथ में अभी बीच में कोटेशन भी आपने लिया है, और एक जगह बात भी कर ली है स्थान की, डालने के लिए हाँ ना पूछने तुम दरबार आए थे, सो हमने हाँ कह दिया। बोलो यस या नो? इसीलिए जाओ आशीर्वाद, आपके जमाई है, देख लो तुम्हारे जमाई की भी हमने क्लास ले ली, वाह खुश रहो। एक मंत्र प्यारे लिखा है, तुम्हारे ऊपर देवी कृपा बहुत है, जो आसपास जो ऊर्जा है वो देवी की ऊर्जा है, बहुत अच्छी। वैसे तुम भक्त हनुमान जी के हो, हनुमान जी को बहुत मानते हो, जाते मंदिर में हो, लेकिन जो ऊर्जा है वो देवी की ऊर्जा है, तो तुम देवी माता को 108 नींबुओं की माला बना के और चढ़ा दो, और आते रहना। चलो अंदर वाले तो हो सकता है कि हमने बैठा दिए हो, लेकिन हमने क्या कहा था, मोहिनी नाम की माता जी आएंगी, और यही हनुमान जी की कलयुग में लीला। अब आप लगाइए अपनी बुद्धि के, ऐसा कैसे हो रहा आपके आंखों के सामने, लगाओ अपना तर्क अपना विवेक, जो हमने ठटरी ना बार दी तो कहियो। आओ बहन नजदीक, माइक लो, आप कहाँ से हो बहन? मैं ओम नगर से हूँ जी। ओम नगर नागपुर। नागपुर में ही? यहाँ किसी को नाम लिखवाया था क्या आपने? नाम रजिस्टर में तो नहीं लिखवाया कहीं? नहीं, 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 किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं कुछ। हमें कैसे पता लग गया ये? पहली बार आए हैं जी? मैं पहली बार आई हूँ। नियम का पालन कर लेंगी बहन जी? कर लेंगे। ठीक, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बोलिए क्या प्रश्न है आपका, पूछिए थोड़ा जल्दी बोलिए। बस मैं अपनी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हूँ गुरु जी। भक्ति मार्ग में आगे। और कोई प्रश्न? और मेरे पति भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना, जो सत्संग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो। कौन? मेरे पति। आपके प्रश्न इसमें तीन आए,
हमारे पर्चे में। पहला प्रश्न है शरीर की पीड़ा का, हाँ या ना बोलिए। शरीर की पीड़ा यानी दर्द ठीक रहेगा, भजन बढ़ेगा, ठाकुर जी की कृपा होगी। ठाकुर जी की भक्ति करते हैं आप? ठाकुर जी यानी कन्हैया जी? जी हाँ मैं करती हूं। उन्हीं की भक्ति और उनको ही सुबह आप पुष्प चढ़ा करके आई हैं और उनसे ये कहा है कि अगर आप हम पर कृपा करें तो हमें जरूर बुलवा देना। हाँ मैं रात को 2 बजे सोई गुरु जी, 2 बजे पता चला कि आप आए हो करके, फिर उसके बाद मैं बोली अगर गुरु जी आए हैं तो 4 बजे में नींद को खोल देना गुरु जी, अगर मैं नहीं आएंगे तो 7 बजे खोलना, लेकिन जैसे ही 4 बजे में नींद खुल गई। और ठाकुर जी की भक्ति बढ़ेगी, घर पे कलेश पति से बनता है, उनकी बुद्धि ठीक रहेगी, सही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, आशीर्वाद है। एक इसमें हमने मंत्र लिखा, उसको आप करिए। एक प्रश्न और आया है, आगे बीच में आपने ब्रजवास की भी अर्जी लगाई है, लेकिन ब्रजवास अभी प्राप्त नहीं होना है जी। अभी ब्रजवास यानी वृंदावन, वृंदावन जी हाँ, मैं लगाई थी कि मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ ऐसा। अभी तो नहीं प्राप्त होना है, लेकिन आगे होगा, ये आशीर्वाद है। मेरे दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे दो, पूरे परिवार पर कृपा, खुश रहो, धाम आते रहना, जाओ उठ जाओ।